आज आप बना रहे हो बेटा क्लासिक कॉफी केक, राइट? ओके, क्लासिक कॉफी केक के लिए मैं इनको जब तक इंग्रेडिएंट्स बता के समझा रही हूँ आपको क्या प्रोसेस करना है। मुझे जब तक चॉकलेट और ऑयल को जो है इसको माइक्रोवेव में मेल्ट करना है। ठीक है, तो आपने चॉकलेट लिए है व्हाइट? जी, व्हाइट चॉकलेट स्लैब 300 ग्राम। जी जी, कुकिंग ऑयल है 300 ग्राम। ओके, अब इन्होंने क्या किया है, 300 ग्राम वाइट मिल्क चॉकलेट और 300 ग्राम ही तेल, दोनों दोनों चीज़ों को इन्होंने मिक्स एक प्याले में डाल के एंड ही पुट इट इन द माइक्रोवेव ताकि ये डिसॉल्व हो जाए। केक के लिए इन्होंने, ये दो अंडे का केक है, 6.5 इंच के पैन में बेक किया हुआ है, अगर मैं गलत हूँ तो आप बोलिएगा। अच्छा, सारी चीज़ें जितनी लिखी हुई है एक प्याले में डाल दी, 2 अंडे, 200 ग्राम चीनी, 64 ग्राम दूध, 64 ग्राम दही, 125 ग्राम ऑयल, मैदा 200 ग्राम, इंस्टेंट कॉफ़ी 10 ग्राम, बेकिंग पाउडर 8 ग्राम, बेकिंग सोडा 4 ग्राम और गरम पानी 125 ग्राम जी। और कॉफ़ी आपा जब इसमें अंदर ऐड करनी है इंस्टेंट, तो उसको भी आपने इसी वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है। इसको आपा हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है चॉकलेट और ऑयल को इसके अंदर हमने व्हिप क्रीम जो है वो एक्स्ट्रा व्हिप करने के बाद ऐड करनी है इसके अंदर। अच्छा, जैसे ही आपा इसका टेम्परेचर बढ़ता है, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे होता है, तो इसको कोशिश करनी है कि इसमें क्रीम नहीं ऐड करनी है। तो क्रीम मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर हमने क्रीम मेल्ट कर इसमें ऐड कर दी तो होगा क्या, ये सॉफ्ट पीक की बजाय लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और क्रीम चीज जा रही है। अच्छा, इसको मैं 4 to 5 मिनट्स के लिए अब रखूँगा फ्रिज में ताकि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर सही हो जाए, फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड करनी है और फिर इसके आइसिंग फ्रॉस्टिंग करूँगा। एवरी डे इज़ अ न्यू डिश, 2, 2, 3, 3, 3, 3 भी है किसी में, तो डोंट मिस, ठीक है? ये भी व्हिप क्रीम है आपका मेरे पास, इसको मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा व्हिप किया हुआ है जैसे कि सॉफ्ट पीक से, ये देखें सॉफ्ट पीक पे हम करते हैं तो थोड़ी सी इसमें शाइन ज़्यादा होती है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा व्हिप इसलिए किया है कि मुझे फोरी फोरी से फ्रॉस्टिंग करनी है क्योंकि मैं इसको रेस्ट नहीं दूंगा क्रीम ऐड करने के बाद। अब आप यही दो एग्स का जो स्पंज बना हुआ है इससे हम जो है अपने पूरे केक को लेयर और फ्रॉस्ट करेंगे। मुझे समझ आ गया ये कहाँ का केक है। हाँ जी, बहुत सॉफ्ट होता है। क्या आपने फिर दूध से और क्यों सॉफ्ट किया? क्योंकि आप अगर ये देखें बेकरीज वगैरह में या रेस्टोरेंट्स में बनाते हैं तो वो 2 डेज के लिए इसको सेव भी करते हैं, तो मोर ड्राई नहीं होगा फिर। क्लासिक कॉफ़ी केक, स्पंज के अज्जा, अंडे 2 अदद, चीनी 200 ग्राम, दूध 64 ग्राम, दही 64 ग्राम, तेल 125 ग्राम, मैदा 200 ग्राम, कॉफ़ी इंस्टेंट 10 ग्राम, बेकिंग पाउडर 8 ग्राम, बेकिंग सोडा 4 ग्राम, गर्म पानी 125 ग्राम, फ्रॉस्टिंग के अज्जा, मिल्क चॉकलेट 300 ग्राम, पाम ऑयल 300 ग्राम, व्हिपी व्हिप क्रीम 350 ग्राम, क्रीम चीज़ 50 ग्राम, कॉफ़ी इंस्टेंट 10 ग्राम, अखरोट 50 ग्राम।